डियर स्टूडेंट्स, आज से हम बेसिक वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन का जो प्लान है उसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आइए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो भागों का या दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन, दूसरा एंडोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है नाम से ही जाहिर है बाह्य, वो इंटेग्यूमेंट या विद इन इंटेग्यूमेंट बना हुआ हो सकता है और उसमें डर्मल बॉन्ड्स, केराटिन, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। एंडोस्केलेटन इसके विपरीत बॉडी में अंदर मौजूद होता है और इसका जो स्रोत होता है वो सामान्यतः मेसोडर्म और अन्य स्रोत होते हैं इसके। इसका इंटेग्यूमेंट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहां ये ध्यान रखिए कि एंडोस्केलेटन में जहां हम कई फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज को इंक्लूड करते हैं, इसको आप सब डिवाइड कर सकते हो बोनी एंडोस्केलेटन के रूप में जो बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन के रूप में कार्टिलेज से बना हुआ, और नॉट बोन। बट लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन को अलग अलग प्रकार से एग्जामिन करें, क्योंकि कई बार जो डर्मल बॉन्ड्स होती हैं जो कि एक्चुअली एक्सोस्केलेटन होगा, इंटेग्यूमेंट से डिराइव डर्मल बॉन्ड, वो बॉडी में डीप चली जाती हैं और एसोसिएट हो जाती हैं एंडोस्केलेटन की बॉन्ड्स के साथ में। ऐसी स्थिति में ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा एक्सोस्केलेटन की बॉन्ड है, कौन सा एंडोस्केलेटन की बॉन्ड है। तो बेहतर यही रहता है कि हम इसे एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जैसी डेफिनेशन में न बांध के हम स्केलेटन को दो प्रकार की यूनिट में विभाजित करें। वन इज क्रैनियल स्केलेटन जो कि ब्रेन और ब्रेन केस से रिलेटेड है, जिसमें तीन प्रकार के क्रैनियल स्केलेटन हम देखने को मिलेंगे, स्प्लेंकनोक्रेनियम, कॉन्ड्रोक्रेनियम और डर्माक्रेनियम। और थर्ड सेकंड टाइप का आप जो स्केलेटन का यूनिट ले सकते हैं वो है पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन जो क्रेनियम से पीछे है और उसके अंदर आ जाता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपका वर्टिकल कॉलम नोटोकॉर्ड ये आएगा और एपेंडिकुलर स्केलेटन में जिसमें अपेंडिजेज आएंगे उसमें लिम, गर्डल्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ये चीजें इसमें शामिल है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल। तो वर्टिब्रेट्स में जो स्कल का सबसे एंशियंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्प्लेंकनोक्रेनियम, ये आप इसको विस्सल क्रेनियम भी कह सकते हैं। जो प्रिमिटिव फिशेस हैं, साइक्लोस्टोमेट्स इवन, यहां तक कि आपको इसके ट्रेसेस फीडिंग एपरेटस के रूप में एम्फियोक्सिस में देखने को मिलते हैं, ये स्प्लेंकनोक्रेनियम। उसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज कॉन्ड्रोक्रेनियम मेड ऑफ कार्टिलेज, ये ब्रेन को सपोर्ट करता है और ये इंडोकॉन्ड्रियल बॉन्ड से या कार्टिलेज से या दोनों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। थर्ड जो स्कल का प्रकार है दैट इज कॉल्ड डर्माक्रेनियम, ये सामान्य तौर पे जो आउटर केसिंग है स्कल की वो फॉर्म करता है वर्टिब्रेट्स में। हाँ, यहाँ जो हम शब्द स्कल या ब्रेन केस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक कलेक्टिव टर्म है, साथ ही साथ हम कहें कि ये एक मोज़ेक टर्म है जहां इन तीनों चीजों यानी कि स्प्लेंकनोक्रेनियम, कॉन्ड्रोक्रेनियम, डर्माक्रेनियम का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप अगर इलेज्मा ब्रेन की बात करेंगे तो वहाँ डर्मेटोक्रेनियम का कंट्रीब्यूशन जीरो है, क्रोकोडाइल की बात करेंगे
तो उसमें ये तीनों है, लेकिन वहां डर्मा क्रेनियम का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इलेस्मो ब्रेन की बात करते हैं, तो इलेस्मो ब्रेन में जो कोन्ड्रोक्रेनियम है वो एक्सपैंड होता है, इनवेलप करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं डर्मा क्रेनियम अनुपस्थित है, बट कोन्ड्रोक्रेनियम उसका प्रोटेक्शन का पूरा कार्य कर रहा है। अन्य वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे तो ये जो कोन्ड्रोक्रेनियम है, ये कोन्ड्रोक्रेनियम एडल्ट के अंदर इसकी अहमियत कम हो जाती है। डर्मेटोक्रेनियम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर ये स्कैफोल्डिंग का कार्य करता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब कि ब्रेन किस प्रकार से डेवलप होगी उसके लिए एक उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नाउ हम आते हैं स्कल की मॉर्फोलॉजी पर। तो इलेज्मो ब्रेन में हम देखते हैं कि जो ब्रेन के चारों तरफ है वो कोन्ड्रोक्रेनियम है, उसमें डर्मेटोक्रेनियम एब्सेंट होता है। ये काफी इलेबोरेट होता है, विस्तृत होता है, कार्टिलेजिनस केस है जो ब्रेन के चारों तरफ है। जबकि बोनी फिश और अन्य टेट्रापोड में देखेंगे तो जो डर्मेटोक्रेनियम है वो आपको प्रेजेंट मिलेगा, और ये भी हाईली ऑसिफाइड मिलेगा। और यहाँ पर आपको तीनों सोर्सेस से मीन्स स्प्लेंकनो, इसके अलावा कॉन्ड्रो और डर्मेटो, तीनों सोर्सेस से अलग अलग में अलग अलग अनुपात में ये कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेन का जो इंडोस्केलेटल प्लेटफॉर्म है, ब्रेन के अंदर का स्कल का, हम ब्रेन नहीं कहेंगे इसको, स्कल कहेंगे, स्कल का जो इंडो स्केलेटल प्लेटफॉर्म है वो कई सारी स्फेनॉइड बॉन्ड्स के असेंबलीज का परिणाम है। ये माना जाता रहा है कि इंडो स्केलेटल प्लेटफॉर्म जो ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम के ही एक्सटेंशन से बना हुआ है। तो यहाँ पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ सेगमेंटल अरेंजमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उनका ये मानना है कि इस सेगमेंटल अरेंजमेंट में जो ऑक्सीपिटल बोन्स हैं वो इस स्फीनॉइड प्लेटफॉर्म का एंड बनाती हैं। ये ऑक्सीपिटल बोन्स चार प्रकार की पाई जाती हैं, बेसी ऑक्सीपिटल, सुप्रा ऑक्सीपिटल और पेयर में मौजूद एक्सोक्सीपिटल्स। ये ऑक्सीपिटल जो ब्रेन के से उसके पोस्टीरियर वॉल को क्लोज कर देती हैं, सिवाय एक बड़े होल के जो कि फोरामिना मैग्नम कहलाता है, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। और यहाँ पर एक या दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जनरली बेसी ऑक्सीपिटल पे मौजूद होती हैं, जिससे वर्टिब्रीज आगे की जो है वो आर्टिकुलेट कर सकती हैं। ये ब्रेन का एक जनरल स्कीम है। यहाँ आप ये सेगमेंटल अरेंजमेंट देख रहे हैं, नेजल, दिस इज नेजल, फ्रंटल, पेराइटल, यहाँ पर ये आप ऑक्सीपिटल देख रहे हैं, सुप्रा ऑक्सीपिटल, एग्स ऑक्सीपिटल, बेसी ऑक्सीपिटल, दिस इज स्फीनॉइड, बेसी स्फीनॉइड। तो ये सारी की सारी ऑर्बिटल, ये सारी की सारी एक बेसिक आप इसको कह सकते हैं कि ये स्कल का एक अरेंजमेंट है जो कि देखा जाता है। ये रूफ की हैं बॉन्स और ये फ्लोर की बॉन्स हैं। आगे हम बढ़े तो स्कल का जो आर्टिकुलेशन है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के माध्यम से होता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात और है कि इसी स्कल में धंसा हुआ मौजूद एक पार्ट और होता है, दैट इज कॉल्ड ओटिक कैप्सूल, जहां पर कि ईयर या ये हम कहें कि जो सेंसरी सिस्टम है सुनने से रिलेटेड वो मौजूद होता है, और ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है ब्रेन के। इसके
ज्यादातर वर्टिब्रेट में ये जो इंडोस्केलेटन एलिमेंट है, ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन जिनको ये सपोर्ट करते हैं, ये एक एक्सोस्केलेटल एलिमेंट जो कि डर्मिस से डिराइव हुआ है उससे कवर रहते हैं, जिसको हम डर्मेटोक्रेनियम कहते हैं, और ये ब्रेन क्रिस्ट फॉर्म हो रहा है। नाउ स्केल के साथ ही साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज और देखने को मिलेगी आपको वो है जॉ। तो अपर जो की पहले हम बात करें तो अपर जो कंसिस्ट ऑफ इंडो स्केलेटन पैलेटो क्वाड्रेट, जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पैलेटो क्वाड्रेट से मिला हुआ होता है। कॉन्ड्रेक्ट फिश और प्रिमिटिव फिशेस में ये आपको फुली फंक्शनल दिखाई देगा। बॉनी फिश और टेट्रापोड्स के अंदर ये जो पैलेटो क्वाड्रेट है इसका कंट्रीब्यूशन कुछ लिमिटेड हो जाता है। दो डेरिवेटिव के माध्यम से ये कंट्रीब्यूट करता है, एपिटेरिगॉइड जो न्यूरोक्रेनियम से फ्यूज होती है और क्वाड्रेट जिसके माध्यम से लोअर जो सस्पेंड होता है। मेमल में ऐसा नहीं पाया जाता। मेमल्स के अंदर डर्मल मैगसिला और प्री मैगसिला जो होती हैं उनके माध्यम से ये पैलेटो क्वाड्रेट रिप्लेस कर दिया जाता है। लोअर जो की हम बात करें तो लोअर जो को हम मैंडिबल कहते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मेकल्स कार्टिलेज है और कॉन्ड्रेक्टिस में केवल मेकल्स कार्टिलेज ही मौजूद होती है। अन्य फिशेस और टेट्रापोड्स में मेकल्स कार्टिलेज परसिस्ट करती है बट ये एक एक्सोस्केलेटन बोन जो कि डर्माक्रेनियम की बनी हुई होती है उसके अंदर इनक्लोज होती है और टीथ को सपोर्ट करती है। ये मेकल्स कार्टिलेज यूजली अनऑसिफाइड रहती है लेकिन फिशेस और टेट्रापोड्स के अंदर मेमल्स को छोड़कर इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो बाहर की तरफ आर्टिकुलर बोन के रूप में, ऑसिफाइड आर्टिकुलर बोन के रूप में निकला हुआ होता है। मेमल्स में जो लोअर जो है उसमें केवल एक सिंगल बोन पाई जाती है जिसको डर्मल डेंटरी कहते हैं। इसका जो एंटीरियर टूथ बियरिंग पार्ट होता है वो रेमस कहलाता है। जो क्लोजिंग जो मसल्स हैं वो कोरोनेट प्रोसेस से इंसर्ट होती हैं जो कि डेंटरी का अपवर्ड एक्सटेंशन होता है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो जो डेंटरी है वो मैंडिबुलर कॉन्डाइल फॉर्म कर रही है जो कि ब्रेन केस के ग्लिनोइड फोसा जो कि टेम्पोरल बोन में एक डिप्रेशन है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है हायर्ड अपरेटस। जो हायर अपरेटस है वो वेंट्रल डेरिवेटिव है स्प्लेंकनोक्रेनियम का जो के पीछे की तरफ। फिशेस के अंदर ये माउथ के फ्लोर को सपोर्ट करता है। जो हायर्ड अपरेटस के एलिमेंट्स हैं वो वेंट्रल पार्ट ऑफ हायर्ड आर्क उससे डिराइव होते हैं और ये मतलब जो कुछ ब्रिंकल आर्क से उनसे मिलकर के बना होता है। जो हायर्ड अपरेटस है उसके अंदर जो मेन बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस और जो एक्सटेंशन है वो कहलाते हैं हॉर्न्स या कॉर्नुआ। मेमल्स के अंदर ह्यूमन में भी जो डिस्टल एंड है हायर्ड हॉर्न का वो फ्यूज हो जाते हैं ओटिक रीजन के साथ में ब्रेन केस के और स्टाइलॉइड प्रोसेस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमने जनरल स्ट्रक्चर की बात करी। अब हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे कि विभिन्न ग्रुप्स के अंदर ये किस प्रकार का होता है। धन्यवाद।